नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। रामविलास पासवान की बरखी है और उनके पुत्र चिराग पासवान देश के सभी बड़े नेताओं को आमंत्रण दे रहे हैं उनकी बरखी का। आपको बता दें कि वो साफ कहते हैं कि जो भी उनके सहयोगी रहें, जो भी उनके साथी रहें, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, रामविलास जी के सभी के साथ संबंध अच्छे रहें, तो वो चाहते हैं कि उनकी बरखी में सभी शामिल हो। और इसी को लेकर वो लालू यादव के पास निमंत्रण कार्ड लेकर पहुंचे हैं दिल्ली। लालू यादव ने उनके स्वागत किया और क्या बातें रखी दोनों ने, चलिए सुनते हैं। चिराग पासवान जी निमंत्रण देने आए हैं, पिताजी का बरखी है पटना में। हम लोग अभिन्न साथी थे रामविलास पासवान जी, और इसलिए चिराग आए हैं निमंत्रण देने के लिए। पटना तो हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन तेजस्वी वगैरह सब जमात लोग रहेंगे लोगों, और हम लोग इसी तरह से हर तरह से इस फैमिली को, चिराग को, हम लोग जो भी सपोर्ट लोग चाहेगा हम लोग करते रहेंगे, इसके लिए आए हैं। आप चाहते हैं सर कि तेजस्वी और चिराग एक साथ आएँ? अब ये सब बात में वो सब हो ही है, खाता ही है। जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आशीर्वाद दिए पूरा सब आशीर्वाद है, अच्छा है ना घूमना। लालू जी, एक सवाल ये है कि जब चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान एक समय में राजनीतिक संकट से जूझ रहे थे, उस वक्त आपने मदद की थी, और चिराग पासवान भी राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं, क्या चिराग पासवान को आप अपने साथ लाएंगे, लाना चाहते हैं? हम चाहते हैं, रहेंगे लोग जहाँ भी रहें, साथ रहेंगे हम लोग जी। इस परिस्थिति में भी उनके माता जी से भी बात हुई, राबड़ी देवी जी से भी बात हुई, सब लोग से। बेटा भतीजा मान रहे हैं सर, बेटा भतीजा मान रहे हैं पासवान को? पूरा पूरा पूरा। सबके बीच में जो है रामविलास जी के जाने के बाद में पार्टी में भी रहे दो, हाँ हाँ, सब हम लोग एक साथ थे ना जी। हम लोग समझौता करके एक साथ लड़े थे कई एक बार। आप पासवान परिवार में कुछ सुलह कराने के लिए आगे बढ़िएगा आप अपना? आप ये सब देखेंगे हम लोग आजकल जमाना गजब का जमाना है। चिराग जी, आज लालू यादव जी से मुलाकात हुई है, पिताजी की बरसी में निमंत्रण देने आ पाए हैं। देखिए, हम सिर्फ सर का आशीर्वाद यहाँ पर लेने आए हैं, और जैसा मैंने हमेशा कहा कि पिता तुल्य रहे हैं सर, और आज बस इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। पिताजी की गैर मौजूदगी में मुझे जिस तरीके से सर का साथ मिला, इनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा, बस उसी आशीर्वाद की कामना में आज आया हूँ। और बस सर का साथ रहे, आशीर्वाद रहे हमेशा। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरे पिताजी के सिर्फ सहयोगी नहीं, साथी भाई की तरह, और इनके परिवार से, मैम से, राबड़ी मैम यहाँ पे हैं, मीसा दी यहाँ पे हैं, तेजस्वी जी, सबके साथ बचपन से हम लोग खेले हैं, पले बड़े हैं साथ में, बचपन में एक दूसरे के घर पे बेरोक टोक आना जाना रहा है, तो ये संबंध वो वैसे ही हैं। और आज भी सर से जो प्यार मिला, आज मैं सर को बैठे हुए बोल रहा था कि आज जब इनसे चर्चा हो रही थी तो मुझे वही याद आ रहा था जैसे पापा होते थे, पापा के साथ बैठ के हम लोग बात करते थे चर्चा, तो इनका बस आशीर्वाद मिले इसी कामना से यहाँ पर आया हूँ। चिराग जी, आपके पिताजी लालू यादव के साथ राजनीति किए हैं, क्या आप तेजस्वी यादव के साथ राजनीति करने के लिए तैयार हैं? देखिए, आज मैं जिस परिपेक्ष में आया हूँ वो मेरे पिताजी की बरखी के लिए मैं आमंत्रण देने यहाँ पर आया हूँ, और इसलिए अभी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, बस सर का आशीर्वाद लेना बस। तो जैसा कि आपने सुना कि लालू यादव पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो बेटे भतीजे की तरह हैं, और उनके आशीर्वाद यात्रा को भी काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं वो, और उनका कहना है कि हम सब साथ में हैं, रामविलास जी मेरे सहयोगी थे, साथी थे, हमने साथ में राजनीति की, और चिराग को लेकर काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है। जब ये पूछा गया कि क्या तेजस्वी और चिराग को साथ आना चाहिए, तो उनका बराबर से यही जवाब रहता है कि हाँ, उन्हें साथ आना चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि बरखी है, लालू यादव ने साफ कह दिया कि वो तो पटना भी नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिवार के और लोग, उनके बेटे तेजस्वी इसमें शामिल जरूर होंगे। निमंत्रण आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अमित शाह, फिर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिहार के राज्यपाल, फिर से जदयू ऑफिस में भी दिया गया निमंत्रण कार्ड, हालांकि नीतीश कुमार से समय नहीं मिल पाया कि उनसे जाकर वो निमंत्रण कार्ड दे पाए, लेकिन चिराग पासवान जो हैं अपने पिता की बरखी में वे सारे नेताओं को शामिल करना चाहते हैं जो कि उनके पिता के साथ राजनीति किए, सहयोगी थे,
साथी थे, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।